Hi everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel if you're seeing me for the first time. My name is Kirti and I'm a mom of two kids. So, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन केयर रूटीन जो मैं बहुत रेगुलरली फॉलो करती हूँ और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस इज़ नॉट अ होम मेड पैक और अ स्क्रब, बट आई बॉट दिस द ओरिजिनल इंडियन हीलिंग क्ले मास्क इन जून एंड उसके बाद अभी तक आई बीन यूजिंग दिस एज माई फेस मास्क. जब भी मेरे पास टाइम नहीं होता है या मुझे रात को अपना फेस पैक लगाना होता है तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ. मैंने अमेजोन UAE से लिया था और इसका प्राइस जो था वो 35 दिरहम्स था. सो मैं आप लोगों के साथ ये इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव ऑन माई स्किन और जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मुझे ऐसा लगता है कि मैं शेयर करूँ ताकि बहुत सारे लोग इसका यू नो बेनिफिट ले सकें. सो जब मेरे स्किन केयर की बात आती है तो मैं यूजुअली घर पे ही करती हूँ. आई हार्डली गो टू पार्लर्स. हालांकि मुझे कभी कभी लगता है 2-3 महीने में कि मुझे चले जाना चाहिए तो आई ऑल्सो गो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं घर पे ही अपना फेस केयर या स्किन केयर रूटीन करती हूँ जिसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो यूजुअली फेस वॉश और स्क्रब होता है. आफ्टर फेस वॉश आई यूज अ स्क्रब, अ वेरी जेंटल स्क्रब बिकॉज आई हैव अ टेंडेंसी ऑफ ग्रोइंग वाइट हेड्स हेयर एंड हेयर, तो उसको मुझे बहुत रेगुलर बेसिस पे रिमूव करना पड़ता है. इवन अगर मैं फेशियल पार्लर से भी करा के आती हूँ, घर आते आते ही यू नो ऑयल ग्लैंड्स में से द वाइट हेड्स कम आउट, तो इतना ज़्यादा इशू है. सो आई मेक श्योर कि मेरी जो स्किन है वो ब्रीथ करती रहे एंड आई कीप रिमूविंग दोज वाइट हेड्स फ्रॉम माई स्किन. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग टुडे इज़ दिस. दिस इज़ एन एप्रिकॉट स्क्रब और मैंने ये ग्लोबल विलेज से ख़रीदा था. नाउ सिंस इट्स नॉट अ ब्रांडेड वन, मैंने सबसे पहले इसका पैच टेस्ट वहीं ट्राई कर लिया था. सो मुझे वहाँ पे ठीक लगा तो मैंने इसको घर पे आके भी ट्राई किया, अपने हैंड्स पे, बेसिकली बॉडी पे मैंने इसको ट्राई किया और अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको अपने फेस पे भी ट्राई किया एंड इट वर्क्ड रियली वेल. ये आई थिंक 20 या 25 दिरहम्स का था एंड इट इज़ 50 ग्राम्स या 70 ग्राम्स कुछ इस तरीके से इसका वेट है. सो अभी एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई स्किन केयर और सबसे पहले जो काम मैं करती हूँ अपने बाल बांधने का होता है बिकॉज आई डोंट वॉन्ट माई हेयर टू कम एंड यू नो उस पर फिर कुछ लग जाए, तो सबसे पहले बाल बांध लेते हैं. तो बाल मैंने बांध लिए हैं, अब बिल्कुल बीच में नहीं आएंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं लगेगा उन पर. सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरा फेस स्क्रब लगाने के लिए एंड आई टू टेक अ जेनरस अमाउंट. सो मैं इतना प्रोडक्ट करीब ले लेती हूँ एंड अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर ऑफ कोर्स आई कैन अप्लाई मोर, बट आई स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन माय चीक्स एंड देन आई गो टुवर्ड्स माय नोज. आई डू दिस इन सर्कुलर मोशंस बिकॉज इसमें मुझे सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है. I have recently realized that I have a lot of pimples over here और इस तरफ, so probably मेरे oil glands यहाँ के ज़्यादा active हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ scrub करूँगी और I will make sure that I apply all the products that I'm using today यहाँ पे ताकि जो pimples हैं उनका आना थोड़ा सा कम हो जाए. And also I do not avoid my lips or my under eyes because मुझे लगता है कि वहाँ की स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्क्रबिंग, but I use extremely gentle hands, like almost ना के बराबर टच होता है, but I do apply it on my lips and under my eyes as well, but very you know very light hands you do that. अगर आपकी बहुत ज़्यादा sensitive skin है इधर, I would request you to completely avoid it. तो मैंने मेरा फेस स्क्रब कर लिया है अराउंड 2 मिनट्स, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है किसी की भी स्किन पे. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गो एंड वॉश इट ऑफ कम्प्लीटली एंड थरली. सो आई एम बैक एंड आई हैव वॉश्ड माई फेस थरली, पूरा क्लीन कर लिया है और कोई भी पार्टिकल्स नहीं बचे हैं अब फेस पे. सो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू इज़ अप्लाई अ फेस मास्क एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आई एम अप्लाइंग दिस इंडियन
हीलिंग क्ले मास्क ऑन माई स्किन. मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. सो अब मैं मोस्टली यही जो है अपने फेस पे यूज़ करती हूँ. सो मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बोल, छोटी सी कटोरी है, और उसमें मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग जितना मुझे चाहिए उतना मैंने ये मास्क का पाउडर डाल दिया. ये थोड़ा ग्रे कलर में है और इसके ऊपर लिखा हुआ है दैट यू कैन ईदर मिक्स इट विद वाटर और यू कैन मिक्स इट विद एप्पल साइडर विनेगर. सो आई विल बी मिक्सिंग इट विद विनेगर क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है. मैं ट्राई कर चुकी हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे. पानी से भी डिसेंट रिजल्ट्स आते हैं, इतना फ़र्क नहीं है दोनों में, बट आज मैं विनेगर डाल रही हूँ. तो मैं इसमें करीब 2 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ और बेसिकली एम ये है टू मेक अ पेस्ट आउट ऑफ इट. सो आई विल नॉट बी यूजिंग माई स्पून एनी मोर. तो मैंने इसमें विनेगर और क्ले जो है मड मास्क डाल दिया है एंड नाउ आई विल मिक्स इट. मैंने इसमें थोड़ा सा विनेगर और ऐड किया है और अब इसका मैं स्मूथ पेस्ट बना रही हूँ. सो ये जो पेस्ट है ये बिल्कुल रेडी है. इसकी कंसिस्टेंसी इतनी है कि ये गिरे ना और स्टिक हो जाए फेस पे. सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट अप्लाइंग. आई विल स्टार्ट अप्लाइंग इट फ्रॉम द मिडल ऑफ माई फेस क्योंकि यहीं पर मुझे ज़्यादा इशूज़ हैं, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. सो आई हैव अप्लाइड इट ऑल ओवर माई फेस और इसको 10 से 15 मिनट तक, जब तक ये सूख नहीं जाएगा तब तक मैं अपने फेस पे रखूँगी. नाउ सिंस आई हैव यूज्ड विनेगर इन द फेस मास्क तो मुझे आईज़ में थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा है, बट दैट्स बेरेबल. अब नहीं हो रहा है, लगाते वक्त हो रहा था, बट दैट्स टोटली नॉर्मल बिकॉज विनेगर की जो फ्रेगरेंस होती है वो आईज़ में थोड़ी बहुत लगती है कभी कभी. बट अगर आप लोगों को इससे ज़रा सी भी इचिंग हो रही है अपने फेस पे, अपनी आईज़ में, प्लीज़ रिमूव इट एज सून एज पॉसिबल. पानी से, नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं, और अगर दोबारा लगाना है फेस मास्क तो पानी में यूज़ करके उसको लगा लीजिएगा. तो ये ऑलरेडी धीरे धीरे ड्राई होना शुरू हो गया है. सो आई विल स्टॉप टॉकिंग नाउ एंड आई विल सी यू व्हेन द फेस मास्क इज़ कम्प्लीटली ड्राई. सो जो फेस मास्क है ये अब ड्राई हो चुका है एंड आई कैन हार्डली स्पीक. तो बेटर आई गो वॉश इट एंड देन टॉक टू यू. हो गया है फेस वॉश एंड आई फील सो गुड. इतनी सॉफ्ट हो गई है स्किन, इट फील्स सो फ्रेश. एकदम बेबी फील आ रहा है मुझे, बहुत मस्त. सो इसके बाद अब मैं लगाने वाली हूँ मेरा फेस सीरम जो है ये बालमकू का. इसके अंदर गोल्ड, इसको गोल्ड सीरम कहते हैं बेसिकली एंड इट हैज़ गोल्ड पार्टिकल्स इन इट. सो आई एम गोइंग टू टेक जस्ट अ लिटल बिट, एक पंप, दो पंप, एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई इट ऑन माई स्किन लाइक दिस. इट हैज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन माई स्किन. और अब इसके बाद थोड़ा सा ये जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं लगाऊंगी ये सैनिटाइज़ क्रीम. दिस इज ऑल्सो अ हाइड्रेटिंग जेल लाइक न्यूट्रोजीना. न्यूट्रोजीना फिनिश हो गया सो आई थॉट आई गिव दिस वन अ ट्राई. दिस इज़ द ब्राइट एंड रेडियंट हाइड्रेटिंग जेल और पिंक लेमन एंड पीच वेरिएंट है ये. सो अब मैं ये लगाने वाली हूँ. इसका भी जेनरस अमाउंट मैं लेती हूँ क्योंकि स्किन थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस मास्क. सो उसको कूल डाउन करने के लिए I am using this और अच्छे से मैंने पूरा फेस पे इसको लगा लिया है. So this is it. I absolutely love using this face mask on my skin and I highly highly recommend it to you as well. पूरा स्किन इससे इतना फ्रेश फील करता है कि बस.
तो अगर आप लोगों ने ट्राई ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे ज़रूर बताना, और अगर ट्राई नहीं किया है तो ख़रीदने का लिंक अमेज़ॉन का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू कैन गो गिव इट अ ट्राई. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो. टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, टाटा, बाय बाय, जयराम जी की.